दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां वास करती हैं, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, और उन्हीं योनियों में से एक मनुष्य योनि भी है जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है, और जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि जीव को अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में सर्वाधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक कितने और कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो वह ईश्वर के द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकरण के रूप में एक स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। जब जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता है, तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। तब 10 दिनों के बाद बद्री फल यानी एक बेर के समान कठोर होता है, और इसके बाद एक अंडे का आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनता है। माँ के गर्भ में जीव का कुछ इस प्रकार से विकास होता है। जीव का एक माह में मस्तक बनता है, दूसरे माह में भुजा आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे माह में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और 10 द्वार के छिद्र निर्मित होते हैं, चौथे माह में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद मज्जा और अस्थियों की उत्पत्ति होती है। इन सब के बाद 5वें महीने में नंबर आता है भूख और प्यास लगने का। 6ठे माह में गर्भ की झिल्ली से ढका होकर दाहिने आंत में भ्रूण गर्भ के भीतर भ्रमण करने लगता है। इस दौरान माता जो भी भोजन के रूप में खाती है, उस भोजन का रस शिशु की नाभि के जरिए से शिशु के अंदर जाता है, और वही रस शिशु के पोषण का जरिया बन जाता है। इस समय जीव माँ के गर्भ में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा पीड़ा भोगता है। माँ के गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसे खाते पीते नोचते रहते हैं, और जीव गर्भ में उल्टा होकर लटका रहता है, जिसका तकिया मल मूत्र का होता है। एक तरफ मल होता है तो दूसरी तरफ मूत्र होता है, और बीच में स्वयं खुद होता है। फिर अगले 3 महीने तक कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। माँ के गर्भ में जीव का यह सफर बड़ा ही दर्द भरा होता है। कई पदार्थों और कृमियों से पूर्ण उदर में जीव उन कृमियों के काटने से कष्ट सहता है, और कई बार वह जीव बेहोश हो जाता है। माता जो भी कसेला, तीखा या नमक युक्त भोजन करती है, उसके स्पर्श से जीव के कोमल अंगों को कष्ट होता है। इस दौरान उसकी अवस्था पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान होती है। इस अवस्था तक जीव के पैर ऊपर की ओर होते हैं और सिर नीचे की ओर रहता है, और पीठ गर्दन एक कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह जीव हिलडुल भी नहीं पाता है, वह बहुत पीड़ा सहता है, और इस दौरान वह जीव परमात्मा का नाम जपता है और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करता हुआ क्षमा याचना करता है। 7वें माह में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जिससे उसके अंदर भय पनपने लगता है। इस बात का भय कि इस उदर से बाहर जाते ही वह ईश्वर को भूल जाएगा, और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार जीव गर्भ में ही 7 माह की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर परमात्मा की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक की वायु उस जीव को छूती है, वह सब कुछ भूलकर फिर से माया के मोह में फंस जाता है। फिर माता पिता के द्वारा उस जीव का पालन पोषण किया जाता है।
मनुष्य बाल्यावस्था के दुखों को भोगकर युवावस्था में पहुंचता है। इस समय यदि उसे कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो अज्ञानता बस उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकातुल हो जाता है। दह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर करने लग जाता है, जो शरीर इसे मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए वैश्यायी पुरुषों से समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही वह एक नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में व्यस्त रहता हो। दोस्तों, इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती को देखकर मोहित हो चुके थे और उसके हिरणी के रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक एक हिरण का रूप भोगकर दौड़ने लगे थे। दोस्तों, इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, स्त्रियों में इतना बल होता है कि वह अपने कोमल बदन अर्थात नयन से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर सकती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक मिल जाता है, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषों के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्रियों में व्यस्त रहता है तथा अपनी मृत्यु के समय भी स्त्रियों के बारे में ही सोचता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई व्यक्ति जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म मिलता है जिसे वह मारता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लग जाती है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात जो भी मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता है या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और यह जीवन चक्र नियंत्रण चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु की शैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर से दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और परमेश्वर से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं आखिर ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके? उस समय वह अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों को याद करके वह बहुत रोता है। वह सोचता है कि अपने बुरे कर्मों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बता दूं, किंतु वह व्यक्ति ऐसा भी नहीं कर पाता। तब परमेश्वर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त होकर बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे काम करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद उसके शरीर से यमदूत आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है केवल स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना या धमकाने का नहीं था, बल्कि अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करना था। अभी आपके पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा आपको आपके अंतिम समय में अत्यंत असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ेगा।
बस हम आपसे वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी प्यारी सी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं, ईश्वर उनके माता पिता की आयु को लंबी कर दे। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमेशा की तरह हमें जरूर दें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।